वेलकम गाइस आईटी हेल्पर वीडियो में ओप्पो का फोन, इसमें अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो ये जो हैंग टच की प्रॉब्लम है आपकी वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी मैं इसमें टच कर रहा हूँ, ये देखें ये पूरा का पूरा हैंग हो रहा है, इसमें जो है ये कुछ वर्क नहीं हो रहा है, इसमें तो ये दिक्कत आ रही है इसके अंदर। अभी ये टच कुछ भी काम नहीं कर रहा, ये देखिए ये ऐसा वर्क कर रहा है और ये बॉक्स सा बन कर आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको जो है टू फिंगर से यूज़ करना है, जब आप इसमें टू फिंगर का यूज़ करते हैं तो इसमें टच जो है आपकी वर्क करने लगती है। ये देखें टू फिंगर पे आपकी टच वर्क करने लगेगी, तो उसके बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल प्रेस करना, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप हम नीचे जाएंगे डाउन साइड पे, तो सिंगल फिंगर पे जो है आपकी टच वर्क नहीं करेगी, आपको टू फिंगर पे ही टच वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सिस्टम सेटिंग, इसको सेट करके डबल प्रेस करना है। जब ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, आपको जो है एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल प्रेस कर देंगे। जब आप इस पर प्रेस कर देंगे तो ऊपर चार ऑप्शन आएंगे आपके, जनरल विजन, हियरिंग और इंटरेक्शन। आपको जो है विजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जब आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस पर डबल प्रेस करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही इसमें, देखिए इस पर डबल प्रेस करेंगे और सबसे ऊपर आ जाएगा आपका टॉल बैग, इसको सिलेक्ट करके इस पर डबल प्रेस कर देंगे। यहाँ पे नीचे देखेंगे टॉल बैग वाला ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर डबल प्रेस कर देंगे, स्टॉप का ऑप्शन आएगा और फिर हम इसको सिलेक्ट करके डबल प्रेस। अब हमारी जो सिंगल फिंगर से टच है वो प्रॉपर वर्क करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।